अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ टिंडे गोश्त। टिंडे मैंने लिए हैं 1 किलो, हाफ के जी मेरे पास मटन है। इसमें जाएगा 1 बड़ी प्याज, ये मैंने पीस कर रखी हुई है। अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, हरी मिर्च लास्ट पे जाएंगी। इसमें साथ में जाएगा पिसा धनिया, लाल मिर्च, नमक और हल्दी। इसको मैं बॉईल कर लूँ, फिर मैं मिलती हूँ। गोश्त बॉइल कर दूँगी मैं इसमें, साथ ही में ये सारे मसाले डाल दूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के भी डालूँगी। हाफ कप के करीब में डाल दूंगी इसमें पानी। पानी में बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि गोश्त में खुद में बहुत ज़्यादा पानी होता है। पैन को चढ़ा दिया मैंने चूल्हे पे और आँच अभी मैं थोड़ी सी मीडियम रखूँगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखूँगी। और इन मसालों का मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। मसालों को मैंने पीस लिया है, अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी और 7 मिनट के लिए लिड लगा के इसको प्रेशर में गला लूँगी। सिर्फ 7 मिनट। प्रेशर को मैंने खोल लिया है। इसमें अब ज़रा ज़रा सा ये जो पानी है इसको कुशर कर लेंगे। साथ में ऐड कर दूँगी हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल या घी, जो आप पसंद करते हैं, और इसको बहुत अच्छी तरह भून लूँगी क्योंकि टमाटर मैंने पहले इसमें ब्लेंड करके डाल दिए थे। अब इसका पानी खुश करके मैंने सिर्फ टिंडे डाल के इसको भूनना है। अब मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर टिंडे। गोश्त हमारा सिर्फ अभी 60% तक गला है और अब इसको अच्छी तरह इसके साथ मिक्स करके तो भून लूँगी। बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है हमने इसकी। और जो लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले फ्री में मिल सके। सारे हमारा अच्छे से भून गया है, घी अलहदा होने लग गया है, ये देखें। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपको शोरबा चाहिए उतना डालें। मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 3 कप के करीब। मुझे इसको थोड़ा सा पतला शोरबा चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। तो ये अभी पकेगा, पक के सोक होगा। तो अभी ये 60% तक गर्म हुआ है, बाकी का मैं इस प्लेट को दोबारा से बंद कर दूँगी और इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी, बहुत लो हीट के ऊपर। सीटी की आवाज़ आ जाएगी तो उसके बाद पूरे 10 मिनट मैंने इसको स्लो हीट पे दम पे लगाना है। सीटी हमारी चल रही है, अब मैं इसको बिल्कुल मीडियम हीट कर दूँगी इसकी, इतनी कि इस पर ये दम पे 10 मिनट तक छोड़ दूँगी और हमारा टिंडे गोश्त बहुत अच्छा तैयार है। टिंडे गोश्त बिल्कुल तैयार है, 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको दम से उतार लिया है। धनिया ऐड किया है, अब मैं शामिल करूँगी गर्म मसाला, 2 से 3 हरी मिर्चें, और इसको मिक्स करूँगी और इसको करूँगी डिश आउट। इस टाइम पे आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं, मेरा इसमें गया है तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल करें। जी, मेरा टिंडे गोश्त तैयार है। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।